किल करने के बजाय फिर आगे चलते हैं जल्दी से। स्टार्च को शुगर कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेगा। यस ठीक है जी, यस ठीक है। अच्छा उसके बाद ये भी आपको पता है वाटर एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन के अंदर आपके पास कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय द एंजाइम। ये एंजाइम को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। चलें रेडिएशन लास्ट, तो उसके बाद फीडबैक। रेडिएशन, रेडिएशन क्या करती है, यानी कि रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, बीटा रेज हैं, अल्फा रेज हैं, ठीक है। दीज रेज प्रोटीन के बने हुए हैं ना, तो ये रेज क्या करती हैं, दीज रेज, ठीक है, डिस्ट्रॉय द एंजाइम। ये रेज एंजाइम्स को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में थोड़ा सा देखिएगा क्या है, सिंपल वे में बता रहा हूं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देखिए एंजाइम्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्पीड अप टू एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के एंजाइम क्या करते हैं, टू स्पीड अप एनी बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैसे ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज करें ये ऊपर वाला साफ कर रहा हूँ वाटर, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जल्दी से जल्दी कर लो। एक्सरेज भी है बेटा इसके अंदर, हाँ, अल्ट्रावायलेट, बीटा गामा रेज हैं, अल्फा रेज नहीं है ये सर। क्या मतलब अल्फा रेज, मैं समझा नहीं आपका। अल्ट्रावायलेट, बीटा, गामा, एक्सरेज, आइए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो है आपके पास सारी की सारी, अल्फा रेज नहीं है, हाँ बीटा और गामा रेज है, ठीक है। लेकिन अल्फा रेज भी क्या करती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को डिस्ट्रॉय करती है, अल्फा रेज भी करती है। गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद अच्छा देखिए सपोज कर लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि सपोज करें फॉर एग्जाम्पल, क्या ये बड़ी हो गई, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा ना, चले फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, एक बॉल है, ठीक है। अच्छा ये एक इनक्लाइंड प्लेन है, इनक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि ये बॉल जो है यहां से मूव करे, तो मूव कैसे करेंगे आप, इस बॉल को उठा करके पहले कहां शिफ्ट करेंगे, यहां पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, पुश करेंगे तो ये इस तरीके से क्या करेगी, मूव करेगी बॉल, ठीक है। तो अब देखिए यहां से यहां तक रखना ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेट करना, एक्टिवेशन से मतलब क्या है, एक्टिवेट करना, किसको एक्टिवेट करना, इस बॉल को एक्टिवेट करना। तो इस बॉल को एक्टिवेट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी से मतलब कौन सी एनर्जी, वो एनर्जी जो इस बॉल को उठा के आप कहां तक ले आए, यहां तक ले आए, फिर इसको आप पुश करें, पुश करेंगे तो ये क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि एंजाइम क्या करते हैं, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, लेकिन यहाँ पर लोअरिंग हो रही है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नहीं यहाँ तो लोअरिंग नहीं हो रही। सपोज करें कि इस बॉल को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो अब वो एनर्जी कौन सी, एक्टिवेट कब होगा, कब होगा, जब इस पॉइंट के ऊपर आएगा, जब इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो अब इस पॉइंट पर लाने के लिए आपको क्या है, इसको उठा के यहां से यहां तक लाना पड़ेगा। जब आप इस बॉल को उठा के इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो वो इसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्यों, क्योंकि आपने इसको उठाया,
उठा के यहाँ रखा, तो उठा के यहाँ रखने के लिए भी क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी मिलेगी फिर इसको पुश करेंगे तो ये क्या होगा, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करेगा मतलब ये यहां से क्या करेगा, मूव करेगा आपके पास, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके बाद फिर अब कैसे देखें यहां, ये बॉल, चलिए जी दोनों डायग्राम्स के अंदर डिफरेंस देखें क्या है, डिफरेंस देखें क्या है। एंजाइम ने क्या काम करा, वो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए थी ना, कौन कहां कहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इस बॉल को यहां उठा के यहां रखने तक एक एनर्जी चाहिए थी, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन का नाम दे रहे थे, ठीक है। जब ये बॉल यहां आती तो एक्टिवेट हो जाती, तो एंजाइम ने क्या कर दिया देखें, एंजाइम ने क्या कर दिया देखें, इस यहां पर इस पॉइंट के ऊपर जो स्वैप था, ये स्वैप था, यहां पे क्या चाहिए थी, इसको यहां से यहां तक उठाने के लिए, चले ये तो लिखा हुआ है ऊपर, इसको यहां से यहां तक उठाने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए थी, तो एंजाइम ने क्या कर दिया, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देखे यहां पे लोअरिंग हो गई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो गई, खत्म हो गए। अब इसको आप क्या करें, थोड़ा सा भी इसको आप क्या करें, पुश करें तो ये क्या करना शुरू कर जाएगी, यहां से ऑटोमेटिकली मूव करेगी, देखें इस तरीके से यहां मूव करेगी इस तरीके से, तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड होगा, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन समझे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, और ये एंजाइम क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से इसने लोअरिंग कर दिया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद फीडबैक इनहिबिशन के ऊपर बात करते हैं, क्या है, रेडिएशन को मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये आखिरी टॉपिक, चैप्टर खत्म। टेस्ट मैंने दे दिए हैं रात को, तीनों टेस्ट दिए, इसके फाइनल टेस्ट भी दिया है, गौर से पढ़ के कीजिएगा। फिर आज जो चैप्टर टू का, एक चैप्टर वन और टू का टेस्ट दिया था, उसकी की रात को टाइम नहीं मिल सका इसलिए नहीं बना सका, ठीक है, तो आज उसकी की भी मिल जाएगी आपको। हाँ कॉन्स्टेंट रेट एंड में, शफक एंड में पूछना मुझसे, अभी मैं चैप्टर को खत्म करूं पहले, फीडबैक इनहिबिशन है उसके बाद हमारे पास, फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, बेसिकली फीडबैक इनहिबिशन है क्या आपके पास, ये देखें इसके अंदर क्या होगा कि द एंड प्रोडक्ट, अच्छा पूरे लिखता हूं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, द एंड प्रोडक्ट, product bind with कि इसके अंदर क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, एक इनिशियल प्रोडक्ट बनाता हूँ और एक एंड प्रोडक्ट बनाता हूँ फीडबैक इनहिबिशन के अंदर, ठीक है। एक इनिशियल प्रोडक्ट है आपके पास, सपोज कर लें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है, फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। सपोज कीजिएगा ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं नाम दे रहा हूं इनिशियल प्रोडक्ट का, ठीक है। यहां पे देखें मैंने इसको नाम दिया किसका, इनिशियल प्रोडक्ट का नाम दिया, मैंने कहा कि फीडबैक इनहिबिशन के अंदर एक इनिशियल प्रोडक्ट है, अच्छा इस प्रोडक्ट को एक और प्रोडक्ट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, अच्छा इस प्रोडक्ट को एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर आपको क्या चाहिए होंगे, एंजाइम,
एंजाइम ने इस प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस बी प्रोडक्ट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सी के अंदर। तो सी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, एंजाइम्स चाहिए होंगे। फिर इस सी को आपके पास यू कह लीजिए कि नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर, अगर डी के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए होंगे, एंजाइम्स चाहिए होंगे आपके पास। सपोज करें कि मैं कहता हूं कि अब डी प्रोडक्ट से एक एंड प्रोडक्ट बन गई, यहां एंड प्रोडक्ट। देखें यहां चेन रिएक्शन समझते हैं ना, यहां पे क्या हो रहे हैं, इसके अंदर चेन रिएक्शन चल रहे हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा देखें, अगर ये एंजाइम ना हो, अगर ये एंजाइम ना हो तो ये प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगी, बताएं जल्दी से, बताओ ना क्या हो गया, नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये सपोज करें कि इस एंजाइम ने इसको बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, अगर ये एंजाइम ना हो तो ये बी सी में कन्वर्ट होगा, नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। फिर अगर ये एंजाइम ना हो तो सी डी में कन्वर्ट होगा, नहीं कन्वर्ट होगा। अगर ये एंजाइम ना हो तो डी एंड प्रोडक्ट में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीच में से इस एक एंजाइम को, अगर बीच में से इस एक एंजाइम को क्या कर दिया जाए, आउट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, अगर बीच में से इस एक एंजाइम को निकाल दिया जाए, आउट कर दिया जाए, तो यहां पर ये जो एक आपके पास यहां पर ये जो एक फाइनल प्रोडक्ट आ रही है वो मिल पाएगी आपको, वो मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। अच्छा चलें सपोज करें इस एंजाइम को निकाल दो तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिल पाएगी, ये फाइनल प्रोडक्ट मिल पाएगी, नो। चलें जी, अगर इस एंजाइम को निकाल दें तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो रहे हैं, चेन रिएक्शंस, ये क्या हो रहे हैं, मैंने बताया ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, चेन रिएक्शंस हैं जो चेन लाइक मैनर से परफॉर्म हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई एक भी एंजाइम बीच में से निकल गया तो एंड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन चलते जाएंगे, मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी से पांचवी से छठी, तो ये रिएक्शन तो चलते जा रहे हैं ना इस तरीके से। चले मैं सपोज करूं, मैं इसको ऐसे कर दूं, तो कंटिन्यू चलता जा रहा, प्रोसीड होता जा रहा, तो ये रुकेगा कैसे रिएक्शन भाई, इसको रोकना है, इसको स्टॉप करना है, आप इसको कैसे रोकेंगे। अब देखें क्या होगा, फीडबैक से मुराद क्या है, कि जो एंजाइम की फाइनल प्रोडक्ट है, एंजाइम की फाइनल प्रोडक्ट, मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का, या चले इधर देखें, ये चलो ऊपर से साफ करता हूं इसको जल्दी से, देखें ये एंजाइम था ठीक है, और ये बनी एक क्या फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ ये एंजाइम और ये लास्ट एक फाइनल प्रोडक्ट बन गई, या एंड प्रोडक्ट कह रहे हैं, बन गई ना। अब देखिए क्या हो रहा है, अब मैं कहता हूं कि ये जो थी आपके पास एक एंड प्रोडक्ट थी, ये क्या है कि आपके पास एंड प्रोडक्ट है, ये तो रिएक्शन चलता जा रहा है, तो यही एंड प्रोडक्ट जाकर के इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर क्या हो गई, बाइंड हो गई। देखिए यहां पे ये बाइंड हो गई, यहां पर ये क्या हो गई, रेड से बनाता हूं, यहां पे आकर के इसकी अपनी ही एंड प्रोडक्ट इसके एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आकर के क्या हो गई, बाइंड हो गई। अब जब ये प्रोडक्ट आकर के बाइंड हुई तो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हुआ, एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो गया, their structure will be change now, chemical reaction या biochemical reaction का है, now biochemical reaction stop, ठीक है। तो आपने देखा फीडबैक,
फीडबैक से मतलब क्या है कि ये एंजाइम अपना एंड के अंदर फीडबैक लेता है, अपने फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, और वो जो फाइनल प्रोडक्ट इसने बनाई वही फाइनल प्रोडक्ट जो है वो जाकर के बाइंड हो गई एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शंस क्या होगा है, स्टॉप होगा है। और जब रिएक्शन स्टॉप हो गए तो खत्म आपके पास सारी कंडीशंस। तो समझ में आया फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली किसको कहेंगे? ऐसे कब होगा? ऐसा जब होगा जब आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर सपोज करें फॉर एग्जाम्पल, चलें सुने एग्जाम्पल, मैं सपोज करता हूं, मैं कहता हूं आपके पास अमाइनो एसिड्स है ना, अमाइनो एसिड्स है, देखें यहां एक छोटा सा रिएक्शन करता हूं, मैं कहता हूं कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी कौन सी एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है, और ये इसकी कौन सी एक्टिव साइट है, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है ये इसका क्या है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, और ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मैं कहता हूं कि क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, कौन है एक अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड क्या है, सपोज कर ले लाइसाइन, क्या है एक अमाइनो एसिड और वो अमाइनो एसिड कौन सा है, लाइसाइन। फिर सुने, ये एक एंजाइम, ये इसकी एलोस्टेरिक साइट, ये इसकी एक्टिव साइट, और ये इस एंजाइम का एक सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट सपोज करने क्या है एक अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड है, लाइसाइन। ये जो है ना, अब इसको मैं यहाँ ऐसे देखें, मजीद इसको यहाँ ऐसे शो कराता हूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है, ये यहाँ आकर के क्या हो गया, बाइंड हो गया, यहाँ आके क्या हो गया, बाइंड हो गया, तो यहाँ क्या बन गई, एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गई, और वो प्रोडक्ट क्या है, चलिए सपोज करें कि वो प्रोडक्ट है एक अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड का नाम है अर्जिनाइन, उसका नाम क्या है, अर्जिनाइन। अब अर्जिनाइन का जो है ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है, एक्सेस अमाउंट इन द बॉडी, इन द बॉडी, यस सर, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इसका क्या मौजूद है, एक्सेस अमाउंट मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो अब देखें, ये तो बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और अर्जिनाइन का अमाउंट बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में इंक्रीज हो गया, इस रिएक्शन को रोकना है, इस रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो सपोज कर लें, ये जो अर्जिनाइन बना था ये क्या था, इसका फाइनल प्रोडक्ट, क्या था इसका, फाइनल प्रोडक्ट। अब यही फाइनल प्रोडक्ट जो अर्जिनाइन बना था, चले ये था अर्जिनाइन, ठीक है, ये अर्जिनाइन जाके इसकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। जब एलोस्टेरिक साइट के ऊपर इसकी बाइंड हुआ जा करके, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और वहीं पे वो रिएक्शन क्या हो गया, फीडबैक में चला गया, मतलब स्टॉप हो गया। तो देखिए, एंजाइम अपना फीडबैक लेता है, अगर कोई प्रोडक्ट हद से ज्यादा बन रही होती है एक्सेस अमाउंट के अंदर, तो फिर वो क्या करता है, फीडबैक इनहिबिशन कर देता है। फीडबैक इनहिबिशन करना मतलब अपनी ही प्रोडक्ट को अपने एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड कर लेना, और बाइंड करने के बाद अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को क्या कर लेना, डिक्रीज कर लेना। तो ये कहलाता है इनहिबिशन। और फीडबैक के अंदर आपके पास क्या हो रहे थे, चेन रिएक्शंस हो रहे थे। चेन रिएक्शंस के अंदर हमने फीडबैक इनहिबिशन को डिस्कस किया, ये सिंगल रिएक्शन के अंदर मैंने फीडबैक, सिंगल रिएक्शन के अंदर मैंने आपको इनहिबिशन के बारे में बताया, ठीक है। फिर सुनिएगा, क्या एलोस्टेरिक साइट, एंजाइम, एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट कौन सा था, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड जाके इसके साथ बाइंड हुआ, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनी आपके पास, अर्जिनाइन। अर्जिनाइन क्या है, फाइनल एंड प्रोडक्ट है, और अर्जिनाइन का अमाउंट ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में तो ये प्रोडक्ट बनती जाएंगी, और फिर ऐसी कंडीशंस के अंदर बॉडी में डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे अगर इसका अर्जिनाइन का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो अब यही अर्जिनाइन क्या करेगा, इस रिएक्शन को रोकने के लिए जाके इसकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड हो जाएगा। जब ये इसकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाकर के बाइंड हुआ, तो ऐसे में ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, विल बी स्टॉप हो जाएंगे। तो ये कहलाता है फीडबैक इनहिबिशन। समझ में आया बात? यस यस यस।
कंट्रोल करेगा सैफुल्ला। यस, कंट्रोल करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। समझ आ गया आप लोगों के? समझ आ गया, बताएं ना, बताएं। हाँ सर समझ आ गया। यस यस, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? हाँ, एलोस्टेरिक आपके लिए अच्छा है तस्वीर, लेकिन कब? जब कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रही हो, रिएक्शन को रोकना हो, तब जाकर। चलें जी, चैप्टर एंड हो गया। मैं स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ कर दूं, जल्दी कीजिएगा। चलें जी, अल्लाह तेरा शुक्र, चैप्टर एंड हुआ, जान छोटी। सबसे ज्यादा हमारे ही आगे चल रहा है केमिस्ट्री का। 3 चैप्टर आज हमने अल्लाह के करम से वाइंड अप कर लिए। ठीक है बेटा जी, अब हम चैप्टर 4 पे डिस्कस करते हैं, सेल पे। सेल क्या है? ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब जो मैंने एक फाइनल टेस्ट दिया है ना चैप्टर 3 का, वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसको जरा अच्छे से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 4, सेल। सेल क्या है आपके पास? बेसिकली आप जानते हैं ना कि सेल किसको कहते हैं? इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं फीडबैक। यस यस यस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जब चल रहा है, नेगेटिव जब रुक गया, स्टॉप हो गया। अच्छा जी, सेल क्या है आपके पास? सेल इज द स्मॉलेस्ट, सेल इज द, क्या पूछा है किसी ने? बेसिक यूनिट। यस ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो है बेसिक यूनिट क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। अब हम सेल को क्या कहते हैं? सेल की देखिए एक डेफिनेशन, ये तो एक पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेल के बारे में क्या कह रहा हूं? सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल के साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शन भी तो करता है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलें जी, अब इस डेफिनेशन को कौन एक्सप्लेन करेगा? बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखें, बेसिक फंडामेंटल हम किसको कह रहे हैं? सेल को कह रहे हैं। ठीक है भाई, बेसिक फंडामेंटल किसको कह रहे हैं? सेल को कह रहे हैं। ठीक है, अब देखें, सेल जो है, सेल, सेल आया कहां से? सेल कहां से आया? सेल कहां से आया? जब सेल कहां से आया? आपके पास एटम से। ठीक है, सेल कहां से आया? एटम से। और एटम कंबाइन हुए तो क्या बना? मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन हुए तो क्या बना? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स ने मिलकर किसकी फॉर्मेशन की? सेल की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, मैं कह रहा हूं कि सेल जो है, इसलिए सेल क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है। सेल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है। और जब डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए, ठीक है, तो ऐसे में आपके पास क्या बन गए? यानी कि अब डिफरेंट, यानी कि कई किस्म के सेल्स मिल गए, तो इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली? टिश्यूज की फॉर्मेशन कर ली। फिर टिश्यूज ने आगे जाके क्या बना लिया? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। मैं पढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन की। फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ने क्या बनाया? इंडिविजुअल बनाया। तो देखिए, बेसिक फंडामेंटल यानी कि लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल। सेल खुद किससे बना है? एटम से। एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए आपके पास, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कंबाइन हुए तो सेल बने। ठीक है, तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल देखिए, स्ट्रक्चर बना रहा है। ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, या फिर इंडिविजुअल का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंडिविजुअल का एक स्ट्रक्चर है।
ठीक, इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, स्पेक्ट्रल यूनिट का भी नाम देते हैं। और फंक्शनल क्यों, फंक्शनल क्यों, फंक्शनल क्यों, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं, और ऑर्गेनेल्स क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या है, केमिकल, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, और ये केमिकल फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो सेल क्या है, सेल अब शायद समझ आ गया हो कि बेसिक फंडामेंटल, व्हाई, बिकॉज लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल, कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर लाइफ जब स्टार्ट हो गई, शुरू में तो यूनिसेलुलर आपके पास प्रोकैरियोट्स था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इन सेल्स ने क्या करा, कॉम्बिनेशन करके डिवीजन की, नंबर्स बढ़ाए, कंबाइन हुए तो टिश्यूज बना लिए, फिर टिश्यूज से मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। तो देखिए ये भी एक फंक्शन चल रहा है सेल का, ठीक है, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन भी कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप है, कोई ना कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और होल इंडिविजुअल बना, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का नाम भी देते हैं, कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इसी सेल की वजह से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। अच्छा, फंक्शनल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पास फंक्शन करने की कैपेबिलिटी है, इसके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी है, इसके अंदर कई किस्म के ऑर्गेनल्स मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका एक फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका एक फंक्शन है, गॉल्जी बॉडीज उसका एक फंक्शन है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद, अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर यू ऑफ लॉ, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ, ठीक है, सैफुल्लाह मलिक, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, लाइफ का, बेसिकली कौन, सेल आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें सेल को जो है ना, सेल को अगर मैं बात करूं, सेल कहां से, ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड सेल्यूला, ठीक है ना। इसके अंदर शुरू के अंदर तो आपके पास दो वर्ड थे, जर्मन, जर्मन, जर्मन के अंदर, जर्मन, जर्मन लैंग्वेज के अंदर सेल को क्या कहते थे, जर्मन टर्म में, जर्मन टर्म में सीला कहा जाता था, सीला, सीला, या फिर ग्रीक वर्ड के अंदर इसको क्या कहा जाता था, सेल्यूला, सेल्यूला, सेल्यूला का नाम दिया जाता था, ठीक है। देखिए सेल्यूला का मतलब क्या है, सेल्यूला का मतलब क्या है, आपके पास कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर्स, क्या है, कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर्स या फिर पार्टीशन, पार्टीशन, ठीक है। ये वर्ड जो है सबसे पहले कंपार्टमेंट का या चैम्बर का, ये किसने सबसे पहले, यानी कि सेल का वर्ड यूज किया था, ये सबसे पहले जो सेल का वर्ड यूज करने वाला था, रॉबर्ट हुक था, ठीक है। इसने 1665 के अंदर अपनी एक बुक लिखी थी, ऑरिजन, ठीक है ना, ऑरिजन, यानी कि माइक्रोफोबिया ऑफ सेल, एक बुक लिखी थी इसने, उस बुक का नाम क्या था, चलो मैं लिखता हूं, माइक्रोफोबिया ऑफ सेल। तो वहां इसने ये वर्ड सेल्यूला का वर्ड क्या किया था, इसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम इसको सिंपली क्या कहने लगे, सेल कहने लगे, ठीक है। जैसे कि रॉबर्ट, आपके पास गॉडल विर्च्यू ने एक टर्म यूज किया था, ओमनी सेल्यूला सीला का वर्ड यूज किया था, ओमनी सेल्यूला सीला, ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर, उसने जर्मन वर्ड के अंदर कहा था, रॉडल्फ के बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 इंटर के अंदर, ठीक है। वर्च्यू 1855 के अंदर ये साइंटिस्ट था, इसका मतलब क्या था, ओमनी आपके पास, यानी कि सेल्यूला सीला का मतलब क्या, सेल्यूला सीला या सेल्यूला सीला का मतलब क्या था, मीनिंग क्या थी, इसका मतलब ये था कि सेल के पास कैपेबिलिटी है डिवीजन करने की, ठीक है। तो ये आपके पास, हम आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है। देखिए सेल की जो, ये तो थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया आपको सेल के हवाले से, तो देखिए सेल की जो डिस्कवरी पॉसिबल हो सकी है वो कब हुई है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अब आप अक्सर देखते हैं, आप कहते हैं कि जनाब ग्लैलियो ने 1610 के अंदर फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, और ग्लैलियो ने जब फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया तो इन्वेंट करने के बाद फिर सेल की डिस्कवरी जो है वो पॉसिबल हो सकी। लेकिन हम यहाँ पर डेविड जैनसन का नाम कभी भी नहीं लेते। डेविड जैनसन जो है आपके पास क्या था, यानी कि 1590 के अंदर डेविड जैनसन, कहाँ चले, यहां लिखना, डेविड
ठीक है ना, 1590 के अंदर डेविड, डेविड कौन था, एक आपके पास यूं कह लें कि साइंटिस्ट था, और इस साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, सबसे पहले याद रखिएगा, ग्लैलियो को तो बहुत अच्छे से जानते, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन्वेंट द माइक्रोस्कोप, के डेविड जो आपके पास जॉनसन था, इसने 1590 के अंदर फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप को क्या किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप क्या फिर कहेंगे भाई ग्लैलियो ने क्या किया था 1610 के अंदर, जिसकी स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको साफ करूं, मैं बताऊं आपको, जल्दी कीजिएगा जल्दी। केटोस कहते हैं, हाँ, ठीक है, ग्रीक में केटोस, उसका मतलब क्या है, सेल, उसका मतलब क्या है, सेल। फिर उसको बाद में सेल्यूला का नाम दे दिया गया था, सेल्यूला इसलिए कहा जाता था कि इसके अंदर होलो चैम्बर्स थे, ठीक है, वो उसकी भी देखे ना, सेला। अच्छा जी, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूं इसी के ऊपर। अब देखें इससे क्या काम किया था ग्लैलियो ने, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिस्ट था, इसने क्या काम किया था, इसने, ठीक है, ग्लैलियो ने जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, मॉडिफाई द माइक्रोस्कोप को इसने क्या किया था, मॉडिफाई किया था, कब, 1610 के अंदर इसने माइक्रोस्कोप को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब इसने माइक्रोस्कोप, नहीं बेटा प्रार्थना बस नहीं, कोर्स कैसे खत्म होगा, कोर्स नहीं खत्म हो पाएगा, इसने माइक्रोस्कोप को क्या किया, मॉडिफाई किया। जब माइक्रोस्कोप मॉडिफाई हो गई तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ सेल पॉसिबल। जब इन्वेंशन हो गई माइक्रोस्कोप की, तो उसके बाद फिर सेल की डिस्कवरी क्या हो सकी, पॉसिबल हो सकी, और सेल को सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक ने इन, आपके पास क्या, 1665 के अंदर क्या करा था, डिस्कवर किया था, और इसी रॉबर्ट ने टर्म यूज किया था सेल का, ठीक है, अपनी बुक के अंदर सेल का वर्ड यूज किया था। अब देखिए रॉबर्ट ने किसके अंदर सेल को डिस्कवर किया था, सबसे पहले पीस या फिर स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है, कॉर्क इज अ आउटर डेड लेयर ऑफ ट्री। ट्री आप देखते हैं ना, ट्री के अराउंड आपने देखी होगी डार्क ब्राउन कलर की, और जो क्या, अच्छा 10 मिनट, अब सर के ऊपर से जा रहा है, सर के ऊपर से क्यों जा रहा है फारिया, क्यों बेटा, कोर्स कैसे खत्म होगा, 14 चैप्टर हैं इसके, 14 चैप्टर इसके हैं, 13 चैप्टर इंटर के हैं, कैसे खत्म होगा, वही तो मैं कह रहा हूं, पढ़ो बेटा पढ़ो। अच्छा देखें कि कॉर्क किस, आपके पास यूं कह लें कि कॉर्क बेसिकली किसको कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो ट्री होता है, ट्री का जो आउटर लेयर होता है डार्क ब्राउन इररेगुलर, यानी कि इररेगुलर टाइप का ट्री के अंदर नजर आएगा, या आपको किसी हर्बेशियस या शर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट में नजर नहीं आएगा, ट्री के अंदर आप देखते हैं ना, आउटर साइड को अगर हटाएं तो व्हाइट कलर का स्टेम निकल आता है, ठीक है उसके, ठीक है, तो उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, कॉर्क का नाम दे रहे हैं, कॉर्क का नाम, ठीक है। जब इसने फर्स्ट टाइम पीस या स्लाइस ऑफ कॉर्क को अंडर द माइक्रोस्कोप, कौन सी, आपके पास
यूं कह लें कि आपके पास एक तरीके से लाइट माइक्रोस्कोप उस जमाने के अंदर मौजूद थी। लाइट माइक्रोस्कोप से बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप थी, कोई ऐसी खास नहीं थी। तो इसने क्या देखा, इसने क्या देखा, इसको क्या नजर आया, इसको कुछ इस तरीके के ना हनीकॉम लाइक कुछ इस तरीके के हनीकॉम लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए, हनीकॉम लाइक। ठीक है, अच्छा ये कहता था कि ये क्या है, एम्प्टी चैम्बर्स मतलब खाली कंपार्टमेंट। तो इन खाली कंपार्टमेंट को नाम दिया गया बात के अंदर किसका, सेल का नाम दिया इसने अपनी बुक के अंदर। ठीक है, यानी कि लुक लाइक कैसे थे, ये कैसे थे लुक लाइक, हनीकॉम लाइक जैसे कि आप देखते हैं ना हनीकॉम के चैम्बर्स होते, इस तरीके के कुछ चैम्बर्स वहां पर क्या थे, मौजूद थे। और इसने कहा कि ये खाली कंपार्टमेंट हैं, खाली चैम्बर्स हैं। ठीक है, तो अच्छा ये तो इसने कॉन्सेप्ट दिया और सेल की डिस्कवरी क्या हो गई, पॉसिबल हो गई। जब सेल की डिस्कवरी पॉसिबल हो गई तो 1665 के बाद, 1805 के अंदर लॉर्डसन एक साइंटिस्ट आया, लॉर्डसन ने क्या करा कि रॉबर्ट की बात के ऊपर, रॉबर्ट ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उस रॉबर्ट की स्टेटमेंट को इसने एक्सेप्ट किया और इसने कहा कि हाँ वाकई में जो आपके पास क्यों कह लें कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे, सेल से बनी होती है और सेल जो है वो आपके पास क्या है, खाली चैम्बर्स हैं। लॉर्डसन ने इसकी स्टेटमेंट को क्या करा, एक्सेप्ट किया और माना। फिर लॉर्डसन के बाद 1809 के अंदर लैंडमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसका बहुत बड़ा रोल है, जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी दी है, उसमें यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स इनके बारे में सब बताया, हम चैप्टर इंटर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लैंडमार्क ने कहा कि द बॉडी, इसका कहना क्या था, द बॉडी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है पजेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या। ठीक है, तो उसके बाद लैंडमार्क ने भी इस चीज को यानी कि एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि हाँ वाकई में जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो किससे बनी हुई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है।